वेलकम टू श्रियांश टीवी। Hey guys, welcome back to my channel. And जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम आपके साथ एक वॉल का मेकओवर शेयर करने वाले हैं। एंड ये आपको दिख ही रहा होगा पिक्चर में, ये एक वॉल थी जो कि एक प्लेन वॉल है, तो हमने इसको क्या किया ना, एक ब्रिक वाले डिजाइन में कन्वर्ट किया है। उसी का प्रोसेस हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। एंड ये बहुत ईजिली हमने अपने आप से किया है, मतलब ईजी तो मैं नहीं कहूँगी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग था, बहुत अच्छा लगा हमको ये बनाने के बाद। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी वॉल की आप लंबाई और चौड़ाई नाप लें। उसके बाद हमने जो डिजाइन पैटर्न फॉलो किया है, उसके लिए हमने हर एक ईंट जो रखी थी उसकी चौड़ाई हमने रखी थी 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमने रखी थी 8 सेंटीमीटर। और इसके साथ हमने जो मास्किंग टेप यहाँ यूज किया है वो था 2.5 सेंटीमीटर उसकी मतलब चौड़ाई थी। तो कुछ इस तरीके से हमने ये डिजाइन बनाया कि 8-8 सेंटीमीटर के गैप पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक मतलब मास्किंग टेप की लाइन बनाते हुए चल रहे थे। तो 8 सेंटीमीटर की हाइट के बाद आपको 1.5 सेंटीमीटर का टेप का आपका लाइन आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से जब आप पूरी वॉल अपनी कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आपको पूरी रोज बना देनी है पहले, उसके बाद जब कॉलम बनाने की बारी आएगी तो कॉलम बनाने के लिए आपको 20-20 सेंटीमीटर पे टेप लगाना है। 20-20 सेंटीमीटर की आपकी फर्स्ट रो बन जाएगी, फिर सेकेंड वाली जो रो होगी उसको आप 20 सेंटीमीटर ना लेके 10-10 सेंटीमीटर के गैप पे आपको उसमें टेप लगाना है। तो इस तरीके से आपका जो एक ब्रिक डिजाइन है ये कंप्लीट होता हुआ आपको नजर आएगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे रस्टिक पुट्टी यूज की है, क्योंकि रस्टिक पुट्टी से ही वो टेक्सचर वाला डिजाइन वॉल में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े स्टोन्स मिक्स हो रखे होते हैं। तो इसका मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा कि कितने पानी में कितना पुट्टी हमको लगाना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका तो यही है कि आप प्रॉपरली लेवलर ले लें और जो रेगमार होता है उससे प्रॉपर अप्लाई करें, जैसे मतलब नॉर्मल मेसन लोग करते हैं। बाकी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों प्रोसेस करके देखे, लेकिन जो हाथ से था ना वो बहुत ईजिली प्रोसेस हो जा रहा था, तो मैंने तो ग्लव्स पहन के प्रॉपर हाथ से करना स्टार्ट किया एंड वो प्रोसेस थोड़ा जल्दी हुआ। एंड क्योंकि हमको यहाँ पे 3D टेक्सचर चाहिए था तो थोड़ी थिकनेस ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए पुट्टी हमने थोड़ी ज़्यादा अप्लाई की है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, थोड़ा हमने मतलब लेवलर से यूज़ करके किया और उसके बाद थोड़ा हमने पुट्टी लगाई, उसके बाद वॉल को सूखने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद बारी आती है, अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि वॉल को हमने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होने देना है इस पुट्टी को, नहीं तो टेप निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए अब क्या करना है, हमने जैसे हाफ एन आवर तक इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद धीरे धीरे हमको ये टेप रिमूव करना है। और टेप निकाल लगाते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप थोड़ी सी एज टेप की बाहर छोड़ देगा कि आपको पील करने में दीवार पे, जब आप उसे हटाएंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो फिर वो थोड़ा मुश्किल होगी आपको ढूंढने में कि कहाँ पे टेप की एज एंड हो रही थी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेके टेप को चिपकाते हुए चलिए। और देख सकते हैं आप कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है, वीडियो में ही हमने ये लगाया था, उसके बाद धीरे धीरे हम जब इसको निकाल रहे थे तो बहुत एक सुंदर सा टेक्सचर वाला डिज़ाइन बन के तैयार हमारा हो गया था। सो अब बारी आती है डे टू की। तो डे टू में आप देख सकते हो हमने अपना पूरा ये डिज़ाइन जो बना था एक दिन पूरा ड्राई होने के लिए छोड़ा हुआ था। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्न थी इसको कलरिंग करने की। अब कलर करने के लिए भी हमने दो मेथड यूज़ किए, पहले जो प्रॉपर एक स्पॉन्ज रोलर हम लोग लेके आए थे उससे हमने अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन उससे वो प्रॉपर टेक्सचर आ नहीं रहा था, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो इसलिए मैंने फिर जो स्पॉन्ज ब्राइट होता है या फिर जो स्पॉन्ज होता है आप दोनों में से कुछ भी चीज़ यूज़ कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा रस्टिक टेक्सचर देना है। अगर आप प्रॉपर एक ब्रश लेके इसको अगर कलर करने लगोगे ना तो प्रॉपर एक वो ईंट जैसा लाल रंग आ जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे आपको कहीं कहीं पे वाइट वाइट टेक्सचर दिख रहा है ना वो नहीं आएगा। वो इसीलिए आया क्योंकि हमने उसको स्पॉन्ज से यूज़ किया। और कलर मैंने कौन से यूज़ किए हैं वो आपको स्क्रीन पे मेंशन होके आ जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि हमने एशियन पेंट्स के कलर थे ये, पर कलर मतलब मिक्स करके ही बनवाए थे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिटेलिंग की जो स्पॉन्ज से हम लोग कर रहे हैं अपने हाथ से, वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहा है। बाकी थोड़ा थोड़ा मार्जिन पे कहीं कहीं पे कलर स्प्रेड हो जा रहा था, तो उसकी कोई फिक्र आपको नहीं करनी है। एच की डिटेलिंग आप बाद में भी दे सकते हो, क्योंकि अभी हमको ये गैप्स जो हैं वो एनी हाउ फिल करने ही पड़ेंगे। तो ये प्रोसेस आप स्क्रीन पे देख लो कि किस तरीके से हमने ये कलर कंप्लीट किया था।
अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमको जो स्पेस बचा है ब्रिक्स के बीच में उसको हमको कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोसेस यूज किया, मैंने जो पुट्टी थी रस्टिक पुट्टी, उसको एज इट इज ग्लव से अपना वहाँ पे अप्लाई किया उस स्पेस को फिल करने के लिए, क्योंकि मुझे हम जो लुक अचीव करना चाह रहे थे वो एकदम रस्टिक रफ लुक था। आपको अगर फाइन लुक चाहिए तो उसके लिए आप पुट्टी ना यूज करके पेंट का भी यूज कर सकते हो। ब्रश से आप पेंट करेंगे तो ज्यादा डिटेलिंग और फाइन स्मूथ टेक्सचर आएगा, लेकिन हमको जो फाइनल लुक चाहिए था वो कुछ ऐसा ही रफ लुक था, तो इसलिए हमने सिंपल हाथ से ग्लव्स वेयर करके पुट्टी को डायरेक्टली अप्लाई किया। एंड ये गाइज आप देख सकते हो कि ये है हमारा फाइनल लुक उस वॉल का। एंड अभी पता नहीं कैमरे पे आपको कितना शो हो पा रहा है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम लोगों ने क्या, ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल से हमने आके बुलवा के करवाया है। एंड इसका मैं बजट आपको शेयर करूँगी विद वेरी लेस बजट। ये था हम लोगों की मेहनत, थोड़ी लगी 3 दिन लगे हमको ये करने में, तो वो मेहनत हमारी यहाँ पे ऊपर वसूल हो गई जो फाइनल लुक हमने अचीव किया है। मैं तो बहुत खुश हूँ इस फाइनल लुक के साथ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप लोगों को हमारे वॉल का फाइनल लुक कैसा लगा। एंड येस, अगर आपको आगे देखना है, आपको मेरी फर्दर वीडियोज़ में दिखेगा कि मैं इस वॉल को किस तरीके से मैंने किस मोटिव के साथ ये ब्रिक टेक्सचर इसमें डेवलप किया है एंड आगे मैं इसमें क्या डेकोर करने वाली हूँ, तो मेरी वीडियोस में आप आगे बने रहिएगा। आगे के मेरे वीडियोस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।